Welcome to Mishika classes. Our today's topic is sports and nutrition part number 3, and today we are going to discuss about the parts of diet. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ डाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. डाइट क्या है? बेसिकली बैलेंस डाइट को कहा जाता है डाइट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? हर एक न्यूट्रिएंट को प्रॉपर अमाउंट में लेना, मींस जिसकी रिक्वायरमेंट जितनी है बॉडी में उस चीज को उतना ही कंज्यूम करने को क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ अ डाइट की. डाइट के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन करनी चाहिए? द फर्स्ट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड होना चाहिए, द सेकंड वन इज एनर्जी गिविंग फूड, एंड थर्ड वन इज अ प्रोटेक्टिव फूड. दीज आर द थ्री पार्ट्स दैट अवर डाइट कंटेन. ये वो तीन चीजें हैं जो हमारी डाइट में होनी ही चाहिए. क्या क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड द प्रोटेक्टिव फूड. अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड. सबसे पहले क्या आता है? बॉडी बिल्डिंग फूड. नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है इसमें? बॉडी बिल्ड करने में हेल्प कर रहा है. मींस इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. यह हमारी बॉडी पार्ट्स की ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट वाज अवर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. उनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. इसके साथ साथ ये क्या करता है? इट रिपेयर्स द इंजर्ड सेल्स. जो इंजरीज हो गई है बॉडी के अंदर, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, तो उनके जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनकी रिकवरी में भी, उनकी रिपेयरिंग में भी इसका ही बहुत बड़ा रोल होता है. बॉडी बिल्डिंग फूड्स का बहुत बड़ा रोल होता है. इट हेल्प्स इन द फास्टर रिकवरी ऑफ द बॉडी आफ्टर एनी टाइप ऑफ इंजरी. किसी भी तरह की इंजरी हुई है बॉडी में, या आप किसी भी बीमारी से उठे हो आफ्टर एनी लॉन्ग टर्म डिजीज और शॉर्ट टर्म डिजीज, व्हेन यू आर रिकवरिंग अबाउट, डॉक्टर सजेस्टेड दैट यू शुड टेक बॉडी बिल्डिंग फूड. आपको क्या लेना चाहिए? बॉडी बिल्डिंग फूड लेना चाहिए. बिकॉज बॉडी बिल्डिंग फूड रिकवर्स अवर बॉडी फास्ट, क्योंकि बहुत जल्दी बॉडी को रिकवर आउट करने में हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं? व्हाट डॉक्टर सजेस्टेड? डॉक्टर सजेस्टेड टू इनटेक द प्रोटीन. तो व्हाट आर द प्रोटीन्स? प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग फूड. क्या डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें किसी भी इंजरी के बाद, किसी भी रिकवरी के लिए? क्या कहते हैं? कि प्रोटीन डाइट इंक्रीज करो. तो व्हाट आर द प्रोटीन डाइट? क्या होता है? प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द एनर्जी गिविंग फूड. व्हाट इज द एनर्जी गिविंग फूड? जो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी. ये बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. इट मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. क्या क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड? या तो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या फिर फैट्स होंगे. तो अब बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जब दो चीजें हैं तो कैसे लेना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ इंडिविजुअल दे शुड टेक द डाइट अकॉर्डिंगली. उसके अकॉर्डिंगली ही उसको डाइट लेनी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट लेना है या इंटेक में फैट ज्यादा लेना है, वो किस पर डिपेंड करेगा? आपके वर्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा. इफ द इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म अ हैवी वर्क, यानी कि अगर लेबर क्लास वर्क है या फिर ऐसा कोई पर्सन है जिसको हैवी वर्क करना होता है, तो ही शुड हैव टू टेक द इंटेक फैट मोर. उसको फैट्स ज्यादा लेने चाहिए. व्हाई टू टेक द फैट्स मोर? बिकॉज फैट्स आर द लॉन्ग ड्यूरेशन. ये एनर्जी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन, ज्यादा लंबे टाइम तक आपको एनर्जी देते हैं. That's why, वो आपको फैट ज्यादा लेना चाहिए. नहीं तो अगर आप, और उसके बाद अगर आपकी सिटिंग जॉब है या फिर आप स्टूडेंट हो, अगेन सिटिंग जॉब हो गई है, तो यू शुड टेक द कार्बोहाइड्रेट. तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए. Why? Because they are the short intake. वो शॉर्ट देर के लिए आते हैं और कंज्यूम भी धीरे धीरे होते हैं. अब फैट जब ज्यादा देर के लिए होते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा टाइम तक निकालते हैं, तो आपको बार बार डाइट लेने की जरूरत नहीं है. वो उतनी सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको दे देंगे. लेकिन अगर वो लोग कार्बोहाइड्रेट लेते जो हैवी वर्क करते, तो उनकी वो एनर्जी एकदम कंज्यूम आउट हो जाएगी. तो उनको फिर दोबारा दोबारा खाना खाना पड़ेगा, एंड अगेन दैट इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. इसलिए वो हमारी हेल्थ के लिए दोबारा से अच्छे नहीं है. नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टिव फूड. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी. ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करते हैं. प्रोटेक्टिव फूड है, प्रोटेक्शन ही करेंगे. तो किस तरह प्रोटेक्शन करते हैं? इट मेनली क्या कंसिस्ट करते हैं? विटामिन, मिनरल्स एंड द वाटर, द रफेज, दीज ऑल आर द प्रोटेक्टिव फूड. ये सब के सब क्या है? प्रोटेक्टिव फूड्स हैं. इनको हम और क्या कहते हैं? मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था क्या कहते हैं इनको. करेक्ट, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स को. व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड कॉल्ड? प्रोटेक्टिव फूड आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. इट हेल्प्स इन द इंप्रूविंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है. तो व्हाट इज द इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम मींस फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीज. डिजीजेस से लड़ने की जो क्षमता को इंक्रीज करने, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता. व्हाट इट इज कॉल्ड? रोग प्रतिरोधक क्षमता. व्हाट इज इम्यून सिस्टम? बीमारियों से लड़ने की ताकत को इंक्रीज करने को इम्यून सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कहते हैं. इट हेल्प्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन्स. ये हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में हमारी हेल्प करता है. इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द जर्म्स. मतलब अगर बॉडी के अंदर जर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या
आप किसी इन्फेक्शन में आ गए, किसी मतलब कोई भी बैक्टीरिया से या किसी भी चीज से आ गए, तो दीज विटामिन ओनली हेल्प यू टू रिकवर आउट, उसमें से आपकी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे? बिकॉज दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट कर देते हैं विच फाइट विद दैट जर्म्स, विच फाइट विद दैट बैक्टीरिया। वो उन बैक्टीरिया से, उन फाइट से, जर्म से क्या करेंगे, फाइट करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी इम्यून सिस्टम इंक्रीज आउट कर जाएगी और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग में रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोटीन्स है, पहले प्रोटीन्स डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स के, द एसेंशियल प्रोटीन्स। एसेंशियल प्रोटीन्स पहली पहली टाइप कौन सी है, एसेंशियल। दीज आर द नाइन नंबर, ये नाइन नंबर होते हैं, मतलब टोटल नाइन होते हैं एसेंशियल प्रोटीन्स। तो बेसिकली प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स भी कहते हैं, NHO ग्रुप बेसिकली। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी प्रोटीन किसे कहते हैं, आज हम सिर्फ उनकी टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। ओके तो आप वो पिछली जो लास्ट वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। दीज आर द नाइन अमीनो एसिड्स विच इज नॉट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, वी हैव टू इनटेक फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द, इसको हमें कहाँ से लेना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है। एंड द सोर्सेज आर द पल्सेस, डायरी प्रोडक्ट्स, यानी कि मिल्क, चीज, बटर, दिस ऑल आर द डायरी प्रोडक्ट्स, सब डायरी प्रोडक्ट्स हैं। या तो आपको वो ले कंज्यूम करने पड़ेंगे या फिर पल्सेस कंज्यूम करनी पड़ती है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसेंशियल प्रोटीन इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर अगर एसेंशियल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है, वॉट यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक द पल्सेज एंड द डायरी प्रोडक्ट्स। आपको पल्सेज और डायरी प्रोडक्ट्स को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स। उसके बाद कौन सा है, नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स है। दीज आर द मोर देन 13 अमीनो एसिड्स, ये 13 से ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं विच इज प्रोड्यूस बाय अवर बॉडी। ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ओके इसको हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट टू टेक आप ले सकते हैं, बट देर इज नो नीड बिकॉज द बॉडी मैन्युफैक्चर देम बाय इट्स ओन, बॉडी इसको अपने आप ही मैन्युफैक्चर करती है, अपने आप ही इसको प्रोड्यूस करती है। What are the important sources? The grains and the vegetables are the important sources of these non-essential proteins. Grains or vegetables, इनके main essential sources हैं non-essential proteins. Now the next type is the types of the fats. अगली कौन सी है? Fats की types कौन-कौन से हैं? The saturated fatty acid is the first type. The, what is the saturated fatty acid? इसके अंदर basically क्या होता है? These are the single bond carbon chain. ये single bond carbon chain का बना होता है और ये प्लांट ऑयल और एनिमल फैट्स दोनों से ही ड्राइव किया जा सकता है, दोनों से ही बनाया जा सकता है। दीज आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट ऑयल एंड एज वेल एज द एनिमल फैट्स। ये इसका मेन सोर्स क्या है, द बटर, द कोकोनट ऑयल, द घी। बटर और घी तो एनिमल प्रोडक्ट से मिल गया आपको, एनिमल फैट से मिल गया, मिल्क के ऊपर से स्प्रेड आउट निकलता है तो उससे बन गया। कोकोनट ऑयल इज अ प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम फ्रॉम द प्लांट। ओके दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब हम इसके क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन की जाती है फर्स्ट टू मेक देम द सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर आपको इसको क्या करना है, इसको अगर आपने बनाना है सैचुरेटेड फैटी एसिड बनाना, तो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू हाइड्रोजिनेट दीज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पहले आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजिनेशन करनी पड़ेगी, इसमें से हाइड्रोजन पास करनी पड़ेगी, सो दैट दे बिकम द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके और ये कहां से ड्राइव होता है, दीज आर ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स ओनली, ये प्लांट से ही बनते हैं। द एग्जांपल आर द ऑलिव ऑयल एंड द पीनट ऑयल। कौन से एग्जांपल है इसके, ऑलिव ऑयल और पीनट ऑयल। ओके अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे दिस इज सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दिस इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। द मेन डिफरेंस इज दैट द सैचुरेटेड फैटी एसिड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, थोड़े थोड़े सॉलिड इन नेचर होते हैं। विंटर्स में तो प्रॉपरली सॉलिड मिलेंगे, लेकिन समर्स में भी थोड़ा थोड़ा ये जो होता है थिक होते हैं, प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में नहीं होते। बट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर द प्रॉपर इन लिक्विड फॉर्म। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो प्रॉपरली किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, आदर इन समर आदर इन विंटर, चाहे विंटर चाहे समर हो, दे रिमेन इन द लिक्विड फॉर्म। ये अपनी लिक्विड फॉर्म को, लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज द टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। फर्स्ट इज सिंगल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर क्विक एनर्जी प्रोवाइडर। ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी दे देते हैं, मींस जैसे आपने इन्हें कंज्यूम किया, दे प्रोवाइड द इंस्टेंट एनर्जी टू यू, ये एकदम आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। दे आर मेनली कंटेनिंग द शुगर लाइक लैक्टोज, फ्रुक्टोज। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मिल्क एंड द फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। ये जो है मेनली क्या कंसिस्ट करते हैं, शुगर कंटेन करते हैं अपने अंदर। शुगर कौन सी होती है, लैक्टोज होगी, फ्रुक्टोज होगी, ग्लूकोज होगी, दीज आर द ऑल आर द शुगर्स, इस शुगर के कंटेंट्स हैं। ओके लैक्टोज जो है बेसिकली किसमें प्रेजेंट होते हैं, मिल्क में प्रेजेंट होते हैं।
और फ्रुक्टोज किसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रुक्टोज, फ्रूट्स में। ओके, लैक्टोज मिल्क में, लैक्टोजन मिलता है ना मिल्क से, तो लैक्टोज मिल्क में, फ्रुक्टोज फ्रूट्स में। इनके मेन सोर्सेस क्या हो गए, अभी मैंने आपको बताया ना लैक्टोज एंड फ्रुक्टोज, द फ्रूट्स मिल्क एंड द हनी आर द मेन सोर्सेज ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो एनर्जी प्रोवाइडर, ये धीरे धीरे आपको एनर्जी देंगे, बट एनर्जी कंटेंट इज हाई, लेकिन इनकी जो एनर्जी कंटेंट है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। वो आपको एनर्जी इंस्टेंट तो दे देंगे, लेकिन इनकी एनर्जी कंटेंट हाई नहीं होती, मतलब जैसे ही आपने इंटेक लिया आपको एनर्जी मिल गई, बट ज्यादा देर तक सस्टेंड नहीं रहती है। बट द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, दे आर स्लो एनर्जी प्रोवाइडर, धीरे धीरे एनर्जी देते हैं लेकिन ज्यादा टाइम तक देते हैं, द एनर्जी कंटेंट इज हाई। दे मेनली कंटेन द स्टार्च, ये क्या होता है, इसमें मेनली स्टार्च होता है। When the starch is react with the glycogen, जब स्टार हमारी बॉडी में जाता है तो वहां पर ग्लाइकोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, देन दे फॉर्म द शुगर, उसके बाद ही शुगर फॉर्म करता है, एंड दैट शुगर गिव्स यू द एनर्जी। इसलिए इनको टाइम ज्यादा लगता है, स्लो प्रोसेस है, उसमें आप डायरेक्टली आप शुगर इनटेक कर रहे हो, और इसमें क्या हो रहा है, स्टार्च ग्लाइकोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद वो शुगर फॉर्म कर रहा है, बॉडी के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है, तब जाके आपको शुगर कंटेंट गया, उसके बाद आपको एनर्जी मिल गई। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ये बेसिक डिफरेंस हो गया, उसमें आपने डायरेक्टली शुगर ले ली और इसमें क्या होगा, स्टार्च ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ग्लाइकोजन के साथ रिएक्ट करके देन वो शुगर कन्वर्ट करता है। तो इसलिए ये धीरे धीरे करता है, तो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, तो इसलिए एनर्जी भी ज्यादा देर तक सस्टेन रहती है बॉडी में, वो एनर्जी भी इसलिए जल्दी कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि जैसे आपने इनटेक लिया आपको एनर्जी मिल गई और आपने कंज्यूम कर ली, उसमें कन्वर्जन में टाइम लगता है, और जितना टाइम उसे कन्वर्जन में लगेगा उतनी देर तक तो आपको एनर्जी बॉडी में सस्टेन रहेगी ही रहेगी। एंड व्हाट आर द मेन सोर्सेज, द ब्रेड, ब्रेड मींस द व्हीट, ब्रेड का मीन्स यहाँ पर क्या, वीट, राइस, दिस आर द मेन कंटेंट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये जो भी आप डाइट में ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में हम जो इनटेक करते हैं, दीज आर दिस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट, क्योंकि आप चपाती तो खाते ही है ना सबके सब, चपाती या राइस में से कुछ ना कुछ इनटेक होगा, और वो किसके साथ खाएंगे, या तो हम पल्सेस के साथ वेजिटेबल के साथ, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, आई होप यू गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन। In next class, we are discuss about the types of the vitamins, minerals, water and the roughage. अब हम अगली क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे, what are the different types of vitamins, what are the different types of minerals, what is the water and what is roughage. ये हम टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास को हम डिस्कस करने वाले हैं। If you have any doubt, you can ask me by commenting in the comment box. Thank you.